करेंगे आपको मलाई चौप बनाना। मलाई चौप बनाने के लिए आप गैस के ऊपर इस पतीले को रख लेंगे और उसके अंदर डालेंगे एक 150 से 200 ग्राम शक्कर चाशनी बनाने के लिए। अभी शक्कर के ऊपर हम डालेंगे पानी कुछ 200 से 250 ग्राम और इसे हम हिला देंगे और इसे हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। छेना बनाने के लिए दूध को सबसे पहले गर्म कर लेंगे। ये दूध हमने एक बर्तन में डाल लिया है 5 लीटर दूध और इसको गर्म कर लेंगे और एक कुकर में हमने 1 लीटर पानी डाल दिया है उसको भी गर्म कर लिया है और इसमें हम डालेंगे ये 1 चम्मच टाटली और ये डाल के इसको पिघला लेंगे फिर दूध में डालेंगे जिससे कि दूध हमारा फट जाएगा। अगर ये टाटली नहीं हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं दूध में। और ये दूध हमारा गर्म हो चुका है, एक बर्तन के मदद से हम इसमें डाल लेंगे ताकि दूध जो है हमारा छन जाए और जो मलाई है क्वार्टर के ऊपर रह जाएगा और दूध अंदर बर्तन में चला जाएगा। और ये दूध को हमने गैस बंद करके 20-25 मिनट तक के लिए ठंडा कर लिया था और ये जो गर्म पानी में हमने टाटली डाला था वो डालेंगे इसके अंदर धीरे धीरे, एक साथ नहीं डालेंगे और इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। इस तरह से ये पानी डालते रहेंगे और ये दूध फट चुका है। इस तरह से कुछ देर तक और चला लेंगे। और इस तरह से छेना डालेंगे पानी ताकि ये ठंडा हो जाए और ठंडा इसलिए होगा कि छेना हमारा जितना सॉफ्ट होगा रसगुल्ले भी उतना ही सॉफ्ट होगा। और ये एक बर्तन पे हम डालेंगे कर्टन और छेना को निकाल के छान लेंगे उसमें डाल के इस तरह से निकालेंगे और इसको पूरा छेना छान लेंगे। और ये छेना निकालने के बाद इस तरह से इसमें जो पानी बच गया छेना के अंदर इस तरह हल्का हल्का प्रेस करके पानी निकाल लेंगे। से छेना का पूरा पानी निकाल लेंगे। छेना को कर्टन से निकालने के बाद इसको इस तरह से मैश कर लेंगे जिससे ये छेना का जो अलग अलग पीस बना हुआ है वो सब टूट के एक साथ हो जाएगा। इस तरह से उसको मसल देंगे। हमने जो छेना बनाया था दूध को फाड़कर ये वो छेना है और इसको हम इस तरह छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे मलाई चौप बनाने के लिए। ये देखिए हम किस तरह छोटे छोटे टुकड़े बना रहे हैं। अब इसको मलाई चौप के लिए हमने शेप बना लिया मलाई चौप का। अभी इसे हम प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह हमने जितने छोटे छोटे टुकड़े किए थे छेना को उन सबको हम स्क्वायर साइज में बना लेंगे। किस तरह हम इसे एक शेप दे रहे हैं जो स्क्वायर साइज का है और
इसको हम रखते चले जाएंगे। ये देखिए मलाई चॉप बनाने के लिए हमने अपने सारे छेना को इस शेप एंड साइज में बना के एक प्लेट में रख लिया है। मलाई चॉप के लिए हमारा चाशनी रेडी हो चुका है और अब इसके अंदर मलाई चॉप के जो हमने पीसेस बनाए थे वो हम एक एक करके डालते जाएंगे। ये देखिए हमने जितने पीस बनाए थे उन सारे के सारे टुकड़ों को, उन सारे पीसेस को हमने चाशनी में डाल दिया। अब जितने हमने पीस बनाए थे जो साइज था, जब ये पूरी तरह से पक जाएगा तो साइज में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा, थोड़ा सा हमारा साइज बढ़ जाएगा। हम इसे वापस ढक्कन से बंद कर देंगे। अब ये मलाई चॉप हमारा पूरी तरह से पक चुका है, हम इसे ढक्कन को हटा लेंगे और ये देखिए इसका जो छाग है, ये छाग में हम हल्का सा पानी डालेंगे ताकि झाग थोड़ा सा बैठ जाए और हम गैस को बंद कर देंगे। अब हमारा ये मलाई चॉप बनके पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम मलाई चॉप को एक बाउल में निकाल लेंगे, हल्का हल्का सा रस उसके अंदर रखेंगे। देखिए पहले के बनिस्पत जो हमारा ये मलाई चॉप है, जो साइज हमने बनाया था उससे ये साइज लगभग डेढ़ गुना बड़ा हो चुका है। ये देखिए हमने सारे के सारे मलाई चॉप को एक बाउल में किस तरह प्यार से निकाल लिया है, ये उतना ही प्यार से निकाल रहे हैं जितने प्यार से हम इसे खाएंगे। अब इस मलाई चॉप को निकालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। आप इसे पंखे के नीचे भी ठंडा कर सकते हैं, आप इसे चाहें तो थोड़ा सा ठंडा पानी मिला सकते हैं। ये मलाई चॉप में डालने के लिए हमने मावा लिया है, ये मावा हमने मार्केट से खरीद लिया है, आप इसे मार्केट से खरीद सकते हैं और घर में खुद भी बना सकते हैं। इसे आप मलाई क्रीम भी कहते हैं कुछ लोग। इसे हम इस तरह थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम ये थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे। इसमें हल्का सा लाल कलर मिलाएंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये मावा हमारा पूरा तैयार हो गया है, मलाई क्रीम जो हम मलाई चॉप में डालने वाले हैं। अभी जो हमारा मलाई चॉप है ये ठंडा हो चुका है, इसको हम बीच से इस तरह डिवाइड कर लेंगे, उसे काट लेंगे और इस तरह हम रखते चले जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से आपको काटना है, क्योंकि आपकी चाकू अगर इधर उधर गई तो आपका जो पीस है वो ख़राब हो जाएगा। और इस तरह हम प्लेट के अंदर रखते चले जाएंगे, क्योंकि इसी दोनों पार्ट्स के बीच में हम वो मलाई क्रीम अपना मावा भरने वाले हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हम इसे काटते चले जा रहे हैं। अब हम एक एक करके उसे उठाकर हम उसके अंदर ये क्रीम को भरते चले जाएंगे। ये क्रीम को आप अपने मन माफिक भर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हाइजीनिक होगा और इसमें जो कैलोरीज की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसे आप अपने हिसाब से भरेंगे। पर मिठाई तो मिठाई है, अच्छा लगना चाहिए खाने में, इतना अच्छा कि लोग एक की बजाय दो खा लें। ये देखिए किस तरह इसके अंदर हम भरते चले जा रहे हैं और ऊपर वाले टुकड़े को हम उसके ऊपर डाल देते हैं। हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर भरेंगे और इसे हम दो भागों में काट देंगे इस तरह। ये बिल्कुल आप सावधानी से काटेंगे ताकि आपका मलाई चॉप खराब नहीं हो।
ये हमने मलाई चॉप को दो दो भाग में बांट कर इस तरह हमने प्लेट में सजा लिया है, और इसके ऊपर हम डालेंगे पिस्ता। पिस्ता डालने के बाद ये काफ़ी हाइजीनिक हो जाएगा, और अब कह सकते हैं कि इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। और ये हमारा मलाई चॉप बनकर तैयार हो चुका है। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आप इसे एक एक पीस निकाल के खा सकते हैं। आप इसे अपने फ्रिज में भी रख देंगे तो ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और ज़्यादा खाने में मज़ा आएगा आपको।